तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। दोनों मुकाबलों का पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी, ड्रीम इलेवन टीम के लिए बल्लेबाज, ड्रीम इलेवन टीम के लिए गेंदबाज, मैच प्रेडिक्शन और पॉसिबल प्लेइंग इलेवन चारों टीमों की, सारा कुछ लेकर आए आपके लिए इस वीडियो में। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह पर वीडियो को शेयर कर देना। तो पहला मुकाबला खेला जाएगा कोमिला वॉरियर्स और खुलना टाइगर टीम के बीच और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा ढाका प्लैटिनम और रंगपुर रेंजर टीम के बीच। और ये दोनों मुकाबले शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। पहला मुकाबला इंडियन समय के अनुसार दोपहर 1 बजे शुरू हो जाएगा और दूसरा मुकाबला शाम को 6 बजे शुरू हो जाएगा। इससे पहले कल जो दो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मुकाबले खेले गए थे इस ग्राउंड पे, और वो दोनों मुकाबले पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती थी। और अगर बात करें पेस बनाम स्पिन की, तो यहां पर तेज गेंदबाजों ने 13 विकेट चटकाए। स्ट्राइक रेट 22.92, इकोनॉमी रेट 7.42। स्पिनर गेंदबाजों ने यहां पर 4 विकेट चटकाए। स्ट्राइक रेट 42.0, इकोनॉमी रेट 8.10। तो मतलब साफ है, अगर देखें यहां पर तेज गेंदबाजों ने विकेटें ज्यादा ली है। स्ट्राइक रेट के मामले में तेज गेंदबाज बहुत आगे है, इकोनॉमी रेट के मामले में भी तेज गेंदबाज बेटर हैं स्पिनर गेंदबाजों से। तो यहां पर तेज गेंदबाज ही असरदार रहते हैं, स्पिनर गेंदबाजों के लिए कुछ खास है नहीं इस पिच पे। और अगर बात करें एवरेज स्कोर की, तो यहां पर एवरेज स्कोर है 153 रन। सबसे बड़ा स्कोर बना है 170 रन। सबसे कम स्कोर बना है 141 रन। और सबसे बड़ा स्कोर चेस हुआ है 166 रन। और अगर बात करें पावर प्ले के आंकड़ों की, तो पावर प्ले में इस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर है 36 रन, 6 विकेट गिरे हैं। तो मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पे पावर प्ले में ज्यादा रन नहीं बनते हैं, विकेट ज्यादा गिरते हैं। और अगर बात करें मौसम की, तो मैच के दिन मौसम रहेगा 24 डिग्री से लेकर 17 डिग्री तक, क्लाउडी रहेगा लेकिन बारिश नहीं होगी। अब यहां पर आपको दिखाते हैं कोमिला वॉरियर्स टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। डेविड मिलान है कप्तान और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं खुलना टाइगर टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। रहीम है कप्तान और विकेट कीपर और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज, डेविड मिलान 377 रन, रेले रोसो 340 रन, रहीम 309 रन। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म गेंदबाज, मुजीबर रहमान 13 विकेट, रॉबी फ्रैंकलिन 10 विकेट, अलामिन हुसैन 10 विकेट। और अब आपको दिखाते हैं पावर हिटर डेविड मिलान, इनका स्ट्राइक रेट है 152.02। और अब आ रही हमारी प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये मुकाबला कोमिला वॉरियर्स टीम जीतेगी। बात करते हैं दूसरे मुकाबले के बारे में, तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं ढाका प्लैटिनम टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। मशरफी मुर्तिया है कप्तान और अनामुल हक है विकेट कीपर और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं रंगपुर रेंजर्स टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। शेन वॉटसन है कप्तान और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज, मोहम्मद नाइब 338 रन, तमीम इकबाल 318 रन। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म गेंदबाज, मुस्तफिजर रहमान 16 विकेट, लियोस ग्रेगरी 13 विकेट, मोहम्मद नबी 9 विकेट। और अब आपको दिखाते हैं पावर हिटर मशरफ मुर्तजा, इनका स्ट्राइक रेट है 197.06। तो ये थे इनफॉर्म बल्लेबाज, इनफॉर्म गेंदबाज और पावर हिटर ड्रीम 11 टीम के लिए। और अब बारी है मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये मुकाबला ढाका प्लैटून टीम जीतेगी। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।